दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल गगनयान ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इसरो का सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे जानकारी मैं देने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसका प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, आपका जो है पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। दोस्तों, हर इसरो का अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है। जैसे बेंगलुरु 60 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सतीश धवन 50 क्वेश्चन पूछते हैं, और विक्रम साराभाई 90 क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबका अपना अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से पूछे जाते हैं। आपको 60 क्वेश्चन के लिए कुल 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और अगर आप 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन काट लिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। दोस्तों, आपके जो मेरिट बनने वाले हैं वो रिटर्न एग्ज़ाम से बनने वाले हैं, ना कि स्किल टेस्ट से। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। आपको इसमें 60% मार्क्स लाने होंगे, तब आप जो है क्वालिफाई करते हैं। वही अब मैं सिलेबस की बात करूं दोस्तों, तो आपके जो ट्रेड थ्योरी हैं, जैसे दोस्तों आप अगर फीटर से आईटीआई कर रखा है आपने, तो आपको फीटर थ्योरी से जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर यही आप इलेक्ट्रिशियन से कर रखे हैं तो इलेक्ट्रिशियन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपने जिस ट्रेडों में आईटीआई कर रखा है उसी से आपको 40 मार्क्स पूछे जाएंगे। ये दोस्तों मैं बेंगलुरु इसरो का एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। यानी जितने भी इसरो के एग्ज़ाम होते हैं उनमें से कम 70% क्वेश्चन जो हैं आपके ट्रेड थ्योरी से पूछे जाते हैं। बाकी के 30% जो है दोस्तों वो वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों आपके मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, एज पाइप ट्रेन, और फिर जैसे बेसिक है ज्योमेट्री से 2D 3D, ये सब, यानी इन सब से जो है 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। उसके बाद आप फिजिक्स से जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ये सब से भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन आपके बेंगलुरु इसरो में पूछे जाते हैं वो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 40 हो गया ट्रेड थ्योरी से, जिससे आपने आईटीआई कर रखा है उससे पूछे जाएंगे, और बाकी का जो है 20 क्वेश्चन दोस्तों ये मैथ, फिजिक्स और कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी पूछ लिया जाता है। और दोस्तों जैसे ही आप रिटर्न टेस्ट पास करते हैं उसके बाद जो है आपको 1:10 के अनुपात में जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी दोस्तों अगर एक सीट है तो इसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए जो है 10 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। तो इस रेशियो में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों आप सबसे ज़्यादा जो है आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों, आप अगर उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन से आप अच्छे खासे मार्क्स बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही अपडेट देना था। आपको यह मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो जो पहली बार मेरे चैनल पर आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें पल पल की अपडेट के लिए। आईटीआई से रिलेटेड इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।